नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 10 के जरिए। इसके अलावा आप हमारे तमाम कार्यक्रम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। और फिलहाल दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से। और जो भी आपके सवाल हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिए इस कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800440559। इसके अतिरिक्त आप हम सभी के साथ संपर्क साध सकते हैं, अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ज़रिए। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए साइंस का यह सत्र है और यह ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in। और दर्शकों, चलिए आपको बता देते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपने पर्यावरण यानी अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखने वाले हैं और चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं सुशील कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। सर पीजीटी बायोलॉजी हैं और केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल में कार्यरत हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि चर्चा में आगे बढ़े, मैं चाहूँगी कि आप हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, आप संक्षिप्त रूप से उन्हें बता दें कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सारे दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज हम अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे, जिसे आवर एनवायरनमेंट के नाम से आपकी एनसीईआरटी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम सब जीव जंतु जो भी इस धरती पर रहते हैं, उनका अपने पर्यावरण के साथ एक रिश्ता है, एक नाता है। और उस नाते के, उस रिश्ते के, उस रिलेशनशिप की हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं अर्थात फूड चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से हमारे आपकी या सभी जीवधारियों की भोजन की सुनिश्चितता होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में जो अलग अलग फूड चेन पाई जाती हैं, उनमें किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है अर्थात ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। इसके अलावा हम तमाम ऐसी घटनाओं का भी वर्णन करेंगे जिनकी वजह से मेरी आपका जीवन पूरी तरह से प्रभावित है, जिसमें से विशेष रूप से हम एक घटना के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें कि हम सब इंसानों की वजह से जो ओजोन परत है, जो ओजोन की लेयर है, वो कहीं ना कहीं से उसमें डिप्लीशन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, और उसकी वजह से हम इंसानों और जीवधारियों और पेड़ पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे अंत में हम लोग पूरा जो हमारे आपके घरों का निकलता है या अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, जिसे हम गार्बेज कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। जी, सो सिमरन जी, जैसा कि हम सब लोग बचपन से पर्यावरण शब्द से परिचित हैं और इस शब्द का विशेष रूप से हम लोगों ने प्रयोग वर्तमान दौर में अलग अलग शहरों में जब पर्यावरणीय घटनाओं की चर्चा होती है तो टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों पर तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता रहा है। हमारे बुजुर्ग हमसे और आपसे अक्सर कहते हैं कि अब यह पर्यावरण वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे शब्दों में कह सकते कि हमें आजकल स्वस्थ पर्यावरण नहीं मिल रहा है, और यही कारण है कि हमारे स्कूलों कॉलेजों और हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो अच्छे पर्यावरण को बनाने के लिए हम सबको प्रेरित करती हैं और अपनी तरफ से कार्य करती हैं। तमाम पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिन पर चर्चा के लिए अलग अलग दुनिया में सम्मेलन होते रहते हैं। वर्तमान समय में COP28 सम्मेलन दुनिया में चल रहा है और इसके मंच पर सारे लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी धरती पर जो अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उनको हम अच्छा बनाने में, बेहतरीन बनाने में, या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को अच्छा करने में किस प्रकार से मदद करें। तो बच्चों, आपको मन में ये एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा आ रही होगी, जो हमने इकोलॉजिकल सिस्टम कहा या हम इकोसिस्टम कहते हैं या हिंदी में जिसे परितंत्र कहा जाता है, और आपके मन में आ रहा होगा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसके कौन कौन से संगठक हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि कोई भी इकोसिस्टम है, अगर हम देखें तो इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ
और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक रिश्ता रखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवित और अजीवित जीव जंतुओं का एक प्रकार का एक रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, और वो संबंध वातावरण के साथ एक निश्चित रूप से हमें और आपको देखने को मिलता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम सबके जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे कि आपने सुना होगा एक कंपोनेंट बायोटेक कंपोनेंट कहलाता है। बायोटेक कंपोनेंट जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, बायो मीन्स लिविंग, तो जो इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम बायोटेक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। मतलब जितने भी लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म जो धरती पर पाए जाते हैं वो मिलके बायोटेक कंपोनेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। ऐसे ही ए बायोटेक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, जैसे कि तापमान, जैसे कि एक रेनफॉल अर्थात कितनी बारिश हो रही है, हवा की गुणवत्ता या हवा की रफ्तार कैसी है, मिट्टी, सॉयल या मिनरल्स, ये सब मिलके ए बायोटेक कंपोनेंट को बनाते हैं। बायोटेक कंपोनेंट और ए बायोटेक कंपोनेंट मिलके एनवायरनमेंट के साथ एक प्रकार का इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं। बच्चों, आपको अपने स्कूल डेज में या अपने आसपास ये चीज़ याद होगी, जब आप स्कूल की कभी एक ट्रिप पे गए हों तो आप अपने आसपास कभी किसी जू गए हों या किसी बोटेनिकल गार्डन गए हों या फिर अपने दादा दादी या नाना नानी के घर गए हों, तो आपने वहाँ पर तमाम प्रकार के इकोसिस्टम जरूर देखे होंगे। जैसे कि एक प्रकार के इकोसिस्टम वो होते हैं जो प्रकृति में स्वयं बनते, नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते, मतलब उसको हम इंसान और आप लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो इकोसिस्टम को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हुआ नेचुरल इकोसिस्टम, यह वो इकोसिस्टम हुआ जैसे कि जो नेचर में अपने आप बनते हैं, ये जैसे कि फॉरेस्ट जिन्हें हम वन कहते हैं, या तालाब या रिवर या लेक्स और ओशन, ये एक प्रकार के ऐसे इकोसिस्टम कहलाते हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। इनमें जो कम्युनिटी रहती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनाती हैं, और जिसमें लिविंग थिंग्स फ्रीली नेचर में अच्छे से मुक्त अवस्था में रहती हैं बिना किसी परेशानी के। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने आपको अभी उदाहरण बताए हुए हैं, कई बार परीक्षा में भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। आपने बच्चों देखा होगा कि ये एक, कई बार आप बाजार जाते हैं और वहाँ से एक्वेरियम खरीद लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं, इसके बाद सुंदर सुंदर मछलियों को डाल देते हैं, तो ये इकोसिस्टम आपने घर में तैयार किया, तो अर्थात ये एक प्रकार का ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर हुई। ऐसे ही आप अपने घर में सुंदर सा गार्डन बनाते हैं, किचन गार्डन या रूफ टॉप गार्डन, ये एक प्रकार के मैन मेड या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हुए। इसके अलावा आप किसी निश्चित जगह पर कोई विशेष प्रकार की क्रॉप बोते हैं तो क्रॉप फील्ड भी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हुआ। तो कई बार ये उदाहरण पूछे जाते हैं, आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाएगी। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे कि इट इज ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर वेयर बायोटेक एंड ए बायोटेक कंपोनेंट आर मेड टू इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर सर्वाइवल। चूंकि ये आपने और हमने बनाया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और सर, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बहुत से उदाहरण अभी हाल ही में हमने देखे हैं जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, और ग्लोबल वार्मिंग भी मुझे लगता है कि उसी का एक कारण है। और ये क्या है, किस तरह से ये हमारे जो पूरे पर्यावरण के बदलाव की प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा और बताएं। सिमरन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, आज की दुनिया में जिस दुनिया में हम सब इंसान गुजर बसर कर रहे हैं वो दुनिया बहुत कुछ बदल गई है। जब आप और हम लोगों ने देखा कि जब हमारे जो मदर फादर या दादा दादी नाना नानी अक्सर कहते हैं कि उन्हें स्वच्छ आकाश मिला था, टिमटिमाते हुए तारे मिले थे,
खूब आसपास जीव जंतु खूब पाए जाते थे, साफ हवा थी, और वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो अब ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन जो बहुत बड़ी परेशानी जिसको लेके पूरी दुनिया के लोग समय समय पे इकट्ठे होते हैं, वो वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसे आपने प्रश्न के रूप में कहा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि धरती गर्म हो रही है, मतलब धरती का जो औसत तापमान है उसमें 1 से लेके 1.5 डिग्री के आसपास तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जगह जगह पर इकट्ठे होते हैं और ये विचार विमर्श करते हैं कि हम कैसे ऐसी गतिविधियां करें, कौन से ऐसी एक्शन लें जिसकी वजह से जो धरती का एवरेज तापमान है जो बढ़ रहा है उसको हम रोक सकें। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं सिमरन जी कि जैसे मेरे आपके शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, अगर इसमें 1 डिग्री फारेनहाइट की वृद्धि हो जाती, जब हमें 99 या 100 डिग्री फारेनहाइट फीवर हो जाता है, तो आपने देखा होगा हमारा आपका शरीर तपने लगता है, कितनी परेशानियां हम और आप लोग महसूस करते। बस ऐसी ही कल्पना करिए कि ये धरती का तापमान बढ़ गया है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे भी ना केवल प्रभावित हो रहे बल्कि एबायोटिक कंपोनेंट जैसे ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, नदियां जिनमें कि 12 महीने पानी रहता था वो अब सूखने लगी हैं। ये जो परेशानी हुई है जो ग्लोबल वार्मिंग की, ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के डिसबैलेंस की वजह से हुई है। एक प्रकार का हमने डिस्टरबेंस कर दिया है, कुछ विशेष प्रकार की गैस होती हैं जो हम सब इंसान अपनी जो तमाम गतिविधियां करते हैं उन दौरान ये निकलती हैं। जैसे एक गैस होती ग्रीन हाउस गैस, सो ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आते हैं। ये वो गैस हैं जो धरती के चारों ओर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में इकट्ठी होती जा रही, एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती जा रही, और धरती पर जो रेडिएशन गिरता है सोलर रेडिएशन, वो जब धरती की सतह से टकराता है, टकराने के बाद जब वापस लौटना चाहता है, तो ये जो रेडिएशन, जो ये गैस का एक प्रकार का मेंटल है जो चारों तरफ घेरे हुए है ग्रीन हाउस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर गैस का, ये उस रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता और धरती के अंदर ही ट्रैप कर लेता। इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, वो डूब जाएंगे और तमाम परेशानियां हमें और आपको देखने को मिलेगी। हो सकता भविष्य में कोलकाता, चेन्नई या अंडमान निकोबार या दमनदीप, ये सब, या फिर न्यूयॉर्क या कराची या चिटगांव जैसे जगह हमें और आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। ये और साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिमरन जी बहुत सारी परेशानियां हम और आप लोग देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं जो हमें और आपको नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और जो यूजफुल इंसेक्ट हैं जैसे कि वो हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, लेकिन ये इनकी संख्या अब कम होती देखी जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, और जब अच्छे से पॉलिनेशन नहीं होगा तो मुझे और आपको भोजन कैसे आएगा, अर्थात हमारी आपकी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसके अलावा सिमरन जी, आपने पिछले वर्ष ही एक पिछले एक साल का अगर अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में कैसी बारिश के द्वारा तबाही हम लोगों ने देखी, या भारत के अलग अलग हिस्सों में हमने कहीं बहुत ज़्यादा बारिश और कहीं पर जहां बहुत बारिश होती सूखा भी देखा, या फिर एकदम से सर्दियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, पहले धीरे धीरे बढ़ती थी सर्दियां लेकिन एकदम ठंड पड़ने लगती है, या फिर गर्मियों का जो स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब विपरीत दुष्प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से हर व्यक्ति प्रभावित है, अमीर गरीब, हर देश प्रभावित है, और पूरी दुनिया की ये सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। और यही कारण है कि पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष समय समय पर मिलते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसी धरती बनाने की तरफ जाएं जिसकी में कि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी धरती दे सकें। कुल मिला के बच्चों, हम जो बात आपको बता रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो एक विशेष प्रकार की घटना करते हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के नाम से इसे जाना होगा। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, इनके अंतर्गत बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट आती है। दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, इन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। सेप्रोफाइट्स जैसे कि आपने सुना होगा सड़े गली चीज़ों पर उगने वाले, जैसे फंजाई का नाम सुना होगा, फंगस, या फिर ऐसे पैरासाइट देखे होंगे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो कंज्यूमर्स में आपने विशेषकर सेप्रोफाइट और पैरासाइट को देखा होगा। इसके अलावा कभी आपने देखा होगा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या कोई आपके फल फूल सब्जियां सड़ जाती तो कुछ समय आप अगर एक जगह डाल दें तो कुछ समय बाद वो डिग्रेड हो जाती हैं। ये सारा खेल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल को, जो सड़ी गली चीज़ें हैं प्लांट और एनिमल के रूप में, उनको वो धीरे धीरे डिग्रेड करके या ह्यूमस को डिग्रेड कर देते हैं या एक फर्टाइल लेयर में तब्दील कर देते हैं, तो वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। इनके अंतर्गत फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलके इकोसिस्टम को बनाते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप अगर बच्चों देखें कि हमारे जो इन्वायरमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती। सरल भाषा में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा आपका एक रिश्ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि धरती पर हम अकेले ही हैं, नहीं, हमारा आपका रिश्ता है। और ये एक रिश्ता ताना बाने के रूप में, एक एक प्रकार के सिस्टमेटिक इंटरेक्शन के रूप में पाया जाता है। मतलब ये फूड चेन होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, इनमें सीरीज ऑफ द इवेंट इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट एनदर एंड ऑब्टेन एनर्जी। सो ए फूड चेन शोज वन पॉसिबल पाथ अलोंग विच एनर्जी कैन मूव थ्रू एन इकोसिस्टम। वी ऑल नो दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन ऑन अवर प्लानट अर्थ। द रेडिएशन और सन गिव्स अस द एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी पीपल यूज इन वेरियस वे। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे खाद्य श्रृंखला में कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और अगर हम इस स्लाइड के माध्यम से देखें तो आप देख रहे होंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ वैसे होते हैं जो हरे भरे पत्तियों को खाते हैं या घास को खाते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। और द सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन। सो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, दीज आर नोन एज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट जो सूरज से रोशनी आती है उसको कुछ भाग लेके वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उससे वो आप उसे फिक्स करते हैं और भोजन के रूप में अपने अंदर रखते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट हैं उनको खाने वाले प्लांट होते हर्बीवोर्स। हर्ब मींस होता है जो कि आपने देखा होगा हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, ये एक प्रकार के बहुत ही पतली पतली या कमजोर प्लांट्स होते हैं, घास के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो घास या हर्ब्स खाते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ये और ये हर्बीवोर्स होते हैं और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। इसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको इस सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, जो कि कार्निवोरस एनिमल होते हैं, मतलब जो मांसभक्षी एनिमल होते हैं। तो ये स्मॉल कार्निवोर्स ईट द हर्बीवोर्स। एंड इन द लास्ट जो बड़े बड़े कार्निवोर्स होते हैं मांसभक्षी, जैसे कि आपने टाइगर लायन का नाम सुना होगा, तो ये टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं किसी भी फूड चेन का। तो ये आप इस स्लाइड के माध्यम से राइट हैंड साइड में दी गई हैं तीन फूड चेन दी गई हैं, जिसमें कि ग्रास और द लीव्स ऑफ द प्लांट बीइंग ईटन बाय डियर एंड डियर कंसिक्वेंटली ईटन बाय द लायन।
and in the other hand, the green plants we are eaten by the grasshopper, grasshopper being eaten by the frog, and frog is eaten by the snake, and snake is eaten by the eagle. So such type of the food chains are found in our ecosystem. But अगर हम बच्चों किसी भी फूड चेन को बड़े गौर से देखें, बड़े ध्यान से, तो वहाँ पर हमें एक सुव्यवस्थित एनर्जी का ट्रांसफ़र दिखाई देता है। तो ये 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ कहलाता है। कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो हरे भरे पौधे हैं, जो वो सूर्य से जितनी भी रेडिएशन गिरता है उसका 1% एनर्जी को वो यूटिलाइज कर पाते हैं। 99% वेस्ट हो जाती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और साउंड इसके रूप में। जो 1% सूर्य की एनर्जी ये कैप्चर करती हैं वो इनके अंदर फूड के रूप में तब्दील हो जाती है। अब उन उस एनर्जी को फिर डिफरेंट जो फूड चेन के अंतर्गत फिर सीरेज में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप में जितनी भी एनर्जी होगी वो हर्बीवोर्स में जब पहुंचेगी तो 10% उसका पहुंचेगा, 90% वेस्ट हो जाएगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द रेस्पिरेशन। हर्बीवोर को जो कार्निवोर खाएंगे तो उनके शरीर में भी 10% ही पहुँच पाएगी, 90% वेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में 10%, फिर जितनी प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी पहुंची उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर में जितनी पहुंची उसका 10% टर्शरी में। तो ईच स्टेप में आप 90% वेस्टेज देखोगे। तो दिस इज नोन एज 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ। कई बार एक प्रश्न ये पूछा जाता है बच्चों कि कई बार प्रश्न दे देंगे कि इतने जूल एनर्जी जो ग्रीन प्लांट या ऑटोट्रॉप्स में पाई जाती है, तो पूछे जाएगा कि वो हर्बीवोर्स में कितनी पहुंचेगी, कार्निवोर में कितनी पहुंचेगी, टॉप कार्निवोर में कितनी पहुंचेगी। तो उसी अनुसार आपको 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ से निकालना है कि जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% पहुँचेगी, 90% वेस्ट हो जाएगी। जी सर, कई बार यस और सर जैसे जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। यू मे कंटिन्यू। यस मैम, सो कई बार बच्चों ये पूछा जाता है कि जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल। सो जो फूड चेन में यूजुअली 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, इसका जो कारण ये होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो 90% के आसपास वेस्ट हो जाती है। तो लॉस ऑफ द एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट that very little usable energy remains after the 4 trophic level. That is why ये जो 4 trophic level तक ही किसी food chain को usually देखा जाता है, ये कारण है। जी मैम। जी सर, और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण के विभिन्न आयामों की बात करते हैं, तो इसके संरक्षण के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। मुझे लगता है सर उन्हीं में से एक है COP Summit, क्या आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे? यस मैम, सो COP Summit जैसा कि COP, COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये अलग अलग देशों के जो नुमाइंदे होते हैं, जो इनके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते, वो दुनिया के एक निश्चित प्लेस पर एक जगह इकट्ठे होते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए चर्चा करते हैं। ये हर साल आयोजित की जाती है हमारे देश में। से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे जो COP 26 हुआ था जब ग्लासगो में, तो इसके बाद COP 27 हुआ और इस साल COP 28 होने जा रहा है। तो COP 26 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एक लक्ष्य भी अपने देश की तरफ से रखा था कि हम लोग 2070 तक जो हमारा नेट जीरो इमीशन वाली इकोनॉमी बन जाएंगे, मतलब हम लोग कार्बन इमीशन बहुत कम करेंगे और जितना करेंगे उतना हम कैप्चर कर लेंगे, तो ओवरऑल नेट जीरो एमिशन वाली इकोनॉमी बनेंगे। तो इस प्रकार के कई अच्छे कदम साथ में वहाँ पर जो भी कोशिश की जाती है कि हम किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स ज़्यादा यूज करें, या फिर हम पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेवार जो अलग अलग कारक हैं, या ई व्हीकल के तरफ कैसे जाएं, या सोलर एनर्जी या विंड मिल की तरफ कैसे जाएं, या कैसे हम अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करें, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम करें, ऐसे कई सारे एग्रीमेंट वहाँ पे होते हैं जिसके आधार पे फिर देशों में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से
लोग एक धरती को सुंदर और अच्छी हरी भरी बनाने में अपना योगदान दे पाते हैं। बिल्कुल। और सर मैं इसी के साथ बताना चाहूंगी कि केवल 5 मिनट का समय शेष है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि संक्षिप्त रूप में आप अपनी बात रखें। जी मैम। सो बच्चों, मैं 5 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा, तो कई सारी फूड चेन जब हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, तो ये सब मिलके एक प्रकार का खाद्य जाल बनाती हैं, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। तो ये आप देखोगे कि कई बार एक फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो दूसरे फूड चेन में वो दूसरे एनिमल के द्वारा भी उन्हें खाया जा सकता है। सो यूजुअली ये देखा गया है कि द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, सो ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, द रिलेशनशिप इज शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचेज कॉल्ड फूड वेब। सो ये एक बहुत ही एक अद्भुत एक प्रकार का रिलेशनशिप होता है। और कभी भी बच्चों देखो, किसी भी फूड चेन में अगर कोई भी बीच का एक ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो जाता है, तो पूरी हमारी फूड चेन तो डिस्टर्ब होती है, इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मिसाल के रूप में आपने हमने देखा होगा कि नील गाय इस समय खेतों में ज़्यादा आने लगी हैं, तो उसमें उसका कारण है कि एक तो जंगल कम हो गए, और इसके बाद जो टॉप कार्निवोर है, जो लायन या टाइगर हैं, उनकी संख्या वहाँ पर कम हो जाती है आसपास के जंगलों में, तो उनको उनकी जो संख्या बढ़ने लगती है नील गाय की। और दूसरा, अगर जंगल भी कम हुआ तो घास कम मिल पाती है नील गाय को, तो वो हम सब जो आसपास के खेत होते किसानों के, उन तक आने लगती है। तो ये जो बहुत ही दुखद स्थिति होती है कि जब किसी फूड चेन में अगर कोई बीच की एक स्पीशीज डिस्टर्ब हो गई, या कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और ये भी बच्चों याद रखिए कि जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये फ्लो ऑफ द एनर्जी ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब ये ऑलवेज ऑटोट्रॉप से चलती हुई और लास्ट तक पहुंचती है कार्निवोर एनिमल पर। तो सन से जो एनर्जी आई वो ग्रीन प्लांट कैप्चर करते हैं, ग्रीन प्लांट से फिर प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड टर्शरी कार्निवोर तक पहुंचती है। तो ये एक प्रकार का पूरा सुव्यवस्थित तंत्र होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं बच्चों, तो उसमें हम लोग कई सारी ऐसी चीज़ों को उपयोग करते हैं जो जाने अनजाने हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत पहले एक केमिकल का उपयोग किया गया था जिसे DDT कहते थे, आज भी कई जगह भारत में और दुनिया में उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम करने की एक प्रोग्राम चलाया गया था, लेकिन ये बाद में देखा गया कि इसका कंसंट्रेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में खतरनाक स्तर तक देखा गया। तो ये एक प्रकार का एक फिनोमेनन कहलाता है जिसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब जो कोई भी केमिकल जिसका हम उपयोग करते हैं, मान लीजिए खेतों में हमने कोई ऐसी दवा छिड़की, तो वो दवा या वो केमिकल हमारे जब बारिश होती है तो मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी से पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लें, और उन पौधों को हम और आप लोग खाते हैं, या वो पौधे से का कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के और लोग इस्तेमाल करते हैं, साथ में बारिश के द्वारा वो नदियों में बहता हुआ पहुंच जाए, तो नदियों से फिर एल्गी में पहुंच जाए, या उनसे फिर फिश में पहुंच जाए, और फिश को फिर इंसान खाए। ये देखा गया है, ये पूरा एक ताना बाना है। ये जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको एक DDT का एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि बहुत कम कंसंट्रेशन में इसको यूज किया गया, लेकिन ये बढ़ते 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 आज हमारे हम सब हिंदुस्तानियों में देखा गया, देश के लोगों में 13 से लेकर 31 PPM पार्ट्स पर मिलियन के रूप में। जी सर, आप सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, पर समय अब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि सत्र को हम आगे बढ़ाएं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपने आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दर्शक आज हमारे साथ बने हुए थे साइंस के इस सत्र में, मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके हैं पर्यावरण के बारे में, इसके अलग अलग आयामों के बारे में, और पर्यावरण संरक्षण कितना ज़रूरी है। आप अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और दर्शकों, इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी है आप सभी के लिए। यह जानकारी NCERT की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों से जुड़ी हुई है।
शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं। आप इन्हें सीधे खरीद सकते हैं एनसीईआरटी के अलग अलग सेल्स काउंटर से, जो फिलहाल नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। और यदि अतिरिक्त जानकारी और विस्तार से जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट को भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और दर्शकों, साइंस के अपने सत्र को हम यही विराम देते हैं, पर आप सब कहीं मत जाइएगा क्योंकि कुछ ही समय में हम इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी का एक कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हमारा ये कार्यक्रम रहेगा और हम बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। तो चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ। नमस्कार।